के पास ये जलाशय है। यहाँ माना जाता है कि भगवान श्री राम रावण के वध के पश्चात इस पोखरे में स्नान करने आए थे। ये ऐसा कुंड है जो त्रेता युग से माना जाता है और आज तक भारत में इसकी प्रभुता का महत्व बड़ा ही अधिक है। सनातन धर्मी आज भी यहाँ पर आते हैं और एक गांव जैसे एरिया में है और आज तक भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कुछ भी किया नहीं है, जो कुछ वैसा ही पड़ा हुआ है, जबकि ये एक ऐसा पौराणिक स्थल है जिसको सहेजने की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ और चाहूँगा कि आप सब एक बार इस जगह पर ज़रूर आएँ। ये एक अभी रात्रि का समय है तो लाइट उतनी अच्छी नहीं है, एक बार चाहूँगा कि फोकस अगर आप लोग इधर करें थोड़ा सा तो कुछ दिखाया जा सकता है। गंदगी भी फैली हुई है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के तीर्थ स्थलों की एक खास विशेषता है कि वहाँ के लोग ही वहाँ पर गंदगी करते रहते हैं। ठीक है, अभी इस नैमिषारण्य के टूर पर ये एक छोटा सा क्लिप है, आगे मैं और भी आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करता चलूँगा। दोस्तों, हम आ गए हैं नैमिष ऋषि सत्संग सेवा समिति के लॉज में और यहाँ पर मिले हमको सचिन भाई, उन्होंने हमको एक रूम दिखाया है। मैं भी आपको जल्दी ही रूम दिखाता हूँ कैसा रूम है। 6 बंदे हैं और बस नैमिषारण्य के दर्शन करने आए हैं चक्र तीर्थ का। तो अभी हम आपको ले चलते हैं रूम पे और दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे और इन्होंने कितना पैसा लिया हमसे, वो भी बताते हैं हम आपको थोड़ी देर में। अभी फिलहाल सचिन भाई गए हुए रजिस्टर लाने, जिसमें हमको करना है चेक इन। हमारी आईडी दे दी गई है और पेमेंट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमांशु जी बैठे हुए हैं और अब आ रही है हमारी टीम निशांत जी, ये विकास शुक्ला जी, ये हमारे शुभम जी और ये हैं मोहित मिश्रा जी लास्ट टीम के। ये पूरी टीम अब चेकिंग के लिए तैयार है और आइए चलते चलते हैं आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। हम चलते हैं अंदर और हमें मिला है रूम नंबर 304 और ये है कुछ 11। ये हमारे विकास जी एक बेडरूम है, ये फिलहाल ठीक ठाक है और काफी अच्छी इन्होंने पेंटिंग लगाई, थोड़ा शांत रहेंगे बिग बॉस की तरह आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग वगैरह देखी है, फैन है, ऐसी है फिलहाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई टीवी वी नहीं है। और यह है इसका दूसरा रूम, यहाँ पर निशांत मिश्रा और हिमांशु जी आज रात में रहने वाले हैं। हिमांशु जी हाय कर लीजिए। तो ये रूम है निशांत जी का और यहाँ से एक व्यू मिरर लगाया है इन्होंने, आप बाहर का व्यू ले सकते हैं यहाँ से। ये है इनका, यहाँ पे लाइट नहीं है शायद, मीटर टाइमिंग ये व्यू है इसका, यहाँ से चक्र तीर्थ का व्यू आता है। और ये है टॉयलेट, आपको दिखाता हूँ जो है इनका टॉयलेट, वेस्टर्न लगाया है इन्होंने। चलिए ठीक ठाक है और जो हमने पैसे दिए इनको, तो हम लोगों ने 6 लोगों के लिए ये 2 बेडरूम का एक बढ़िया सा कमरा दिया। फिलहाल बढ़िया नहीं कहा सकता, लेकिन चलिए फिलहाल इस लोकेशन के हिसाब से बहुत ठीक है। उन्होंने लिया है 1,050 रुपये, बहुत सस्ता है लेकिन ठीक है। मान ली यहाँ पे एक शीशा भी इन्होंने लगाया है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में। कहाँ पर हम शहर में लोग और ये है हमारे विशाल जी, आरती कराएंगे हम लोगों को। ये देखिए आप यहाँ पर घूमते हैं, बड़ा ही आनंद, बहुत ही अच्छा लक्ष्मी। ये आगे फिर बताता हूँ आपको, त्रिशक्ति धाम बहुत बढ़िया मंदिर।
ब्यास आश्रम है, यहाँ पे बताया है कि ऋषि ब्यास ने अपना तपस्या की थी और उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता था। ये 5097 साल पुराना बरगद का वृक्ष बताया जा रहा है और ये नैमिष में मौजूद है, नैमिष नारायण उत्तर प्रदेश। 5097 साल पुराना बरगद, इस पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये 5097 साल पुराना है। बोर्ड से मैं फिंगर दिखाता हूँ, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये बोर्ड इन्होंने लगाया है, ये बोर्ड, इस पर इन्होंने लिखा है। अगर मैं जूम करूँ तो शायद आप तक पहुँच सकते हो, लेकिन नहीं, जूम से नहीं मैं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन ये 5097 साल पुराना। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ब्यास गद्दी एक जगह है जहाँ पर दो तीन तपस्याएँ हुई हैं। एक मनुष्य सामने देख रहा हूँ, मनुष्य कृपा की तपोस्थली है और एक निम्बार्क मुनि की तपोस्थली है और इसके जस्ट ठीक सामने है ब्यास मुनि की तपोस्थली। इस तपोभूमि पर ही मुनि ब्यास तप करते रहे और उसके बाद ज्ञान को प्राप्त होता और उन्होंने वेद पुराणों की रचना की थी। ये वही जगह है जिसको ऐसा बताया जा रहा है नैमिष। दोस्तों अब हम जा रहे हैं नैमिष से, एक अगला हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा मिश्रिक। मिश्रिक वो स्थान है जब माना जाता है कि इंद्र को वृत्तासुर अपने अपग्रान से लगातार परेशान कर रहा था और इंद्र हार जा रहे थे युद्ध। तो वो ब्रह्मा जी के पास अभी देवता गए और पूछे कि अब क्या करना होगा, कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आपको इतने मजबूत अस्त्र की ज़रूरत है कि जिससे वृत्तासुर के सारे अस्त्र को काटा जा सके। तो देवताओं ने पूछा कि ऐसा अस्त्र कहाँ मिल सकता है हमको। तो उन्होंने बताया कि दधीच की हड्डी से, महर्षि दधीच जो बहुत अच्छे ऋषि हैं, उन्होंने बहुत तपस्या कर ली है, उनकी हड्डी से, अगर रीढ़ की हड्डी से वो बनाया जाए तो वो युद्ध जीता जा सकता है। तो दोस्तों ये मिश्रिक वो जगह है जहाँ पर दधीच ने अपनी रीढ़ की हड्डियाँ इंद्र को दान दी थी। तो इस टोटल जो नैमिष की 84 लाख कोस की जो परिक्रमा है, लोग बताते हैं कि 84 लाख परिक्रमाओं में ही सभी चारों धाम के मंदिरों का दर्शन किया सकता है और उतना ही पुण्य प्राप्त किया सकता है। तीर्थ बहुत है लेकिन चक्र तीर्थ नैमिष में ही है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है। माना जाता है कि इस तीर्थ का पानी सीधे पाताल से निकलता है, इसको साफ करने के लिए मोटर लगे हुए हैं। और अब हम चल रहे हैं मिश्रिक, आपको जल्द मिलते हैं नए स्टेप पे जब हम होंगे, तो हम आपको अभी आपको दिखाते हैं मिश्रिक। मैं आ चुका हूँ यहाँ मिश्रिक के दधीच गुरु के पास और आप देख रहे हैं कि हम सब हमारे साथ हैं विकास जी, चांद जी, मोहित जी और मोहित जी हैं और शुभम जी हैं, आप देख सकते हैं। तो जिस मिश्रिक दधीच कुंड की मैं बात कर रहा था कि वो बहुत ही प्राचीन है और अभी भी ओरिजिनल रूप में ये वो स्थान है जहाँ पर दधीच जी ने अपना जो है रीढ़ की हड्डी को इंद्र को दान किया था, जिससे उसने बाद में वज्र बनाकर वृत्तासुर वध किया था। तो ये वही स्थान है, बहुत ही पौराणिक है और इसका महत्व बहुत अधिक है और कुंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ पानी है और काफ़ी पुरानी मंदिर है यहाँ पर, बहुत सिस्टम बता दिया गया है। तो ये रहा कुछ नैमिष नारायण का टूर, बाकी फिर मिलते हैं अगले सीरीज में।